रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का, आजमगढ़ रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का मामला सामने है। वहीं बता दें आपको कि आज दोनों लोकसभा सीटों पर मतगणना होगी। वहीं आपको बताएं तो सुबह 8 बजे से रामपुर आजमगढ़ में मतगणना होगी। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर CCTV कैमरे से होगी निगरानी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि त्रिकोणी लड़ाई में देखना यह है कि कौन आगे जाता है। बात करें बहुत ही चर्चित सीट आजमगढ़ की, तो वहां भी आपको बता दें कि 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशियों में त्रिकोणी लड़ाई चल रही है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं। वहाँ भी आपको बता दें कि भीमराज दस्ता का एग्जिट पोल क्या कहता है, हमने सर्वे किया है, एग्जिट पोल क्या कहता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमने कहा कि आजमगढ़ चुनाव में कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, तो वोट गिरा कितना है वोट आपको हम बता दें कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली 86% वोट पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 3% वोट पाए हैं। आपको बता दें कि उससे भी बड़ी खबर है कि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 11% वोट पाए हैं। भीमराज दस्ता का एग्जिट पोल कहता है कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली सबसे आगे हैं। खास बात तो यह है कि आजमगढ़ चुनाव को लेकर अगर हिंदू मुस्लिम भी होता है तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मुस्लिम है और वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जीत कर सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, भीमराज दस्तक का एग्जिट पोल यह कहता है। आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।